जय श्री राम प्यारे भक्तों, आप संसार में चाहे कहीं घूम लेना, आपको ये एक चीज़ किसी भी कीमत पर कहीं भी नहीं मिल सकती। चाहे आप कितना ही धन दे देना, तो अगर आप ये चीज़ खरीदना चाहोगे तो कहीं मिलेगी नहीं। अब आप सोचोगे ऐसी कौन सी वस्तु है जो किसी भी धन के बदले नहीं मिल सकती, किसी भी चीज़ के बदले नहीं और कहीं भी नहीं मिल सकती। परम आनंद यानी कि परमानंद एक ऐसी वस्तु है जिसको आप कहीं चले जाना, हिल स्टेशन में चले जाना, हिमालय पर चले जाना, कहीं विदेश में चले जाना, कितने ही रुपए खर्च कर देना, किसी कोने में घूम लेना, आपको कदापि मिल नहीं सकती। अगर आप परमानंद प्राप्त करना चाहते हो, ये छोटी मोटा परमानंद, हम शांति की बात नहीं करते कि मन शांत हो गया, खुशी हो गई, कुछ पल के लिए हो गई, हम उस परमानेंट परमानंद की बात कर रहे हैं जो एक बार मिल गया तो फिर वो जाता नहीं है। और जिसने इस आनंद का अनुभव कर लिया यानी इस परमानंद का, वो फिर उसको सब कुछ फिक्का लगता है। प्यारे भक्तों, वो परमानंद आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपके घर बैठे ही मिलेगा। कहीं जाने की ज़रूरत है ना, जंगलों में मिलेगा, ना पर्वतों पे मिलेगा, ना पहाड़ों पे मिलेगा, ना रुपए खर्च करने से मिलेगा, ना आपको किसी चीज़ के बदले मिलेगा। चाहे आप कितना ही दान कर लेना, कितना ही यज्ञ कर लेना, कितने ही अनुष्ठान कर लेना, लेकिन उस परमानंद की प्राप्ति नहीं हो सकती जिसकी बात हम कर रहे हैं। वो आपको प्राप्त होगा आपके अंदर उतरने से। अब अंदर कैसे उतरोगे? सबसे पहले भगवान से आपको जुड़ना पड़ेगा, उसके नाम का जप करना पड़ेगा, भक्ति करनी पड़ेगी, भक्ति के रास्ते पर चलना शुरू करना पड़ेगा। फिर आप जैसे जैसे एक सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी पर पहुंचते जाओगे, जैसे कि नाम जप करोगे, नाम जप फिर लय हो जाएगा, जैसे कि पहले वाचिक, उपांशु, मानसिक और फिर प्राण जप और फिर ध्यान आएगा लास्ट में। जब आप ध्यान करोगे, जब ध्यान में आप पूर्णतः अंदर उतरोगे, फिर आपकी समाधि लग जाएगी और जब समाधि लग जाएगी तो आपको वो परमानंद की प्राप्ति होगी जिसका वर्णन हम ही नहीं, इस संसार का आज तक कोई भी संत महापुरुष उस परमानंद का वर्णन ना तो कर सके हैं और ना ही कोई कर सकता है, क्योंकि वो अनुभव की चीज़ होती है, अनुभव की। जिस प्रकार मैं कह दूं कि हवा, ठंडी हवा चल रही है, ठंडी हवा कितनी चल रही है, जब तक आप उसका स्वयं अनुभव नहीं करोगे आप बता नहीं सकते ठंडी चल रही है कि गर्म चल रही है, कम चल रही है कि ज़्यादा चल रही है। जिस प्रकार अगर आपने रसगुल्ला खा लिया तो आप ये तो बता सकते हो कि रसगुल्ला मीठा है, कितना मीठा है, थोड़ा मीठा है, ज़्यादा मीठा, कितना थोड़ा, कितना ज़्यादा, वो अनुभव ही हो सकता है। ऐसे ही जब उस परमानंद की प्राप्ति होती है तो केवल और केवल वो अनुभव होता है, केवल उसकी एक झलक आप देख सकते हो, एक झलक दिखा नहीं सकते किसी को, वो झलक खुद देख सकते हो, उसको अनुभव कर सकते हो, लेकिन दूसरे को, किसी को आप ना उसको बता सकते हो, ना उसको दिखा सकते हो, क्योंकि बाद में कमेंट आते हैं ना कि आपने इतना लंबा भाषण दे दिया और वो तो बताया ही नहीं कि वो है क्या, नाम क्या है। भाई ना तो उस नाम को कोई बता सकता है और ना ही परमानंद को प्राप्त बता सकता है। जब आप स्वयं परीक्षा पास करके यानी कि सारी सीढ़ियाँ नाम जप की भगवान तक पहुँचने की पास करोगे और उस परमानंद को प्राप्त करोगे तो आपको अनुभव स्वयं हो जाएगा। और फिर मैं आपसे कहूँगी आप बता दो, तो आप भी नहीं बता सकते क्योंकि आज तक कोई बता सका ही नहीं है प्यारे भक्तों। तो आप समझ गए होंगे, आप निरंतरता से भक्ति करें और उस परमानंद को प्राप्त करें और अपने जीवन को धन्य करें। प्रेमी भक्तों, हमारा दूसरा चैनल है ज्ञानदूत, उसकी वीडियोज़ देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगी। अब हम अपनी वाणी को विराम देना चाहते हैं, आज के लिए इतना ही। जय श्री राम प्यारे भक्तों।